में था बेटी की नंबर थी ये अमित शाह और ये मोदी ये छात्र जिम्मेदार है क्या कि हमें जो है डराया जा रहा है हमें धमकाया जा रहा है तो मैं ये कह दे कि हम कौन है और हम मास्टर माइंड है अमित शाह टुकड़े टुकड़े गैंग का ये मुखिया है इसीलिए सब पता है कि कितने टुकड़े टुकड़े गैंग इस मुल्क में रहते हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अमित शाह के टुकड़े ये काम करे तो मत हो तो फिर आप यहीं पर सुन रहे थे कि ये तो छुपा कर क्यों रहे थे हमें करने की कोशिश की जा रही है हमें कहा जाता है कि मुसलमान दहशतगर्द है मुसलमान देशद्रोही है और हमारे धर्म की तलाशी ली जाती है मदरसों की तलाशी ली जाती है मस्जिदों की तलाशी ली जाती है क्या निकलता है मैं आपको एक शेर से बताता हूँ कि कहीं टोपी कहीं मिसवाक कहीं कुरान निकलेगा कहीं टोपी कहीं मिसवाक कहीं कुरान निकलेगा हमारे घरों में बस यही सामान निकलेगा और हमारी देशभक्ति तुम क्या समझोगे बच्चारो पाठ पढ़ाने से गए जो बीडी सावरकर और जो गोडसे की भक्ति कर रहे हैं जो उनकी पूजा कर रहे हैं और महात्मा गांधी की तौहीन कर रहे हैं और ये बीजेपी वाले कुछ ऐसे इतने भोले भाले बनते हैं ये बीजेपी वाले और इनके नेताओं की जबान देखिए इनकी भाषणों को देखिए इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए इनकी गंदी जबानों को देखिए एक कपिल मिश्रा है एक प्रवेश वर्मा है एक अनुराग ठाकुर नहीं मैं इसे जरा दूसरे तरीके से बोलता हूँ अनुराग ठाकुर नहीं है अनुराग ठग गुरु है लोगों को ठग ठग के ये जो है गुरु बन गया अनुराग ठग गुरु कहता है देश के मतदारों को गोली मारो सालों को अब मैं ये साबित करूंगा कि देश के मतदार तुम हो या देश के मतदार हम हैं मैं साबित करूंगा आइए तारीख उठाकर देखते हैं महात्मा गांधी को मारने वाला गोड़ से कौन था ये देशभक्त था या देश द्रोही था देश का मतदार था आइए एक शेर कहता हूँ सुनिए झूठी सियासत का अदाकार कौन है झूठी सियासत का अदाकार कौन है मारा था जिसने गांधी को वो मतदार कौन है और होकर शहीद देश पे अब्दुल हमीद ने होकर शहीद देश पे अब्दुल हमीद ने दुनिया को ये बता दिया कि वफादार कौन है आज हमें देश द्रोही कहते हो हमें एंटी नेशनल कहते हो हमें कहते हो तुम फला मुल्क चले जाओ तारीख के हवाले से कहता हूँ कि आप इनकी तारीख उठाकर देखा था माफीनामा दे रहा था और उनकी जो है चापलूसी कर रहा था उनकी मुखबिरी कर रहा था ये लोग वही लोग हैं ये वही लोग हैं जो उनकी नजरियात को उनके अकाइद को उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और हमेशा जो गांधीवादी लोग हैं उन्होंने किसी की जान ली नहीं है बल्कि अपनी जान दी है मिसाल ऐसे ढेरों सारी मिसालें हमारे सामने हैं एक है गांधीवादी और एक है गोडसेवादी इन दोनों में फर्क देखिए अनुराग ठाकुर की मिसाल में देता हूँ जिसने महात्मा गांधी को मारा गोडसे तो मारने वाला है और महात्मा गांधी शहीद होने वाले हैं अब अनुराग ठाकुर जिसने ये स्लोगन नारा लगाया था देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को तो ये उसी विचारधारा को बतलाता है जो विचारधारा गोडसे की थी उसने महात्मा गांधी को मारा अब हम चूंकि गांधीवादी हैं महात्मा गांधी को मानते हैं तो अब ये कह रहे हैं कि इनको गोली मारो ये गोडसे की औलाद है
मार सकते हैं, इनका काम ही मारना है। और यही वजह है कि जब जब हमने हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई है तब तब ये हमें मारने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, चाहे शाहीन बाग में हो, जामिया मिलिया में हो या कहीं और हो। एक बात मैं साफ लफ्जों में कह देना चाहता हूँ।